साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। क्या हाल चाल है आप सभी का, स्वागत है इस वीडियो में। बहुत ही गंभीर चर्चा मैं करने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना इस वीडियो पर और ध्यान से सुनना। आप सभी को पता है कि इस बार अभी हाल ही में एक सरकार का गठन हुआ है, लूली लंगड़ी सरकार बनी है एक तरीके से, क्योंकि स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी के पास नहीं है। और जब इस प्रकार की अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है तो बहुत सारे काम नहीं हो पाते। यूजीसी नेट के एग्जाम को लेकर आप सभी को पता है कि एक आधिकारिक घोषणा कर दी गई है और 18 तारीख इसकी डेट दे दी गई है। लेकिन दे दी गई है क्यों बोल रहा हूं, इस चीज को समझिए आप, पूरा लॉजिक है इस चीज के पीछे। क्या होता है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट बदलती है तो किसी भी बॉडी में पूरा गवर्नमेंट बदली नहीं है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट वही है, लेकिन अब घटक दल इसमें ज्यादा आ गए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी हिस्सेदारी भी इस गवर्नमेंट में होने वाली है। यूजीसी एक ऐसी बॉडी है जहां पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी सरकार का, है ना, चेयरमैन कौन बनेगा, कौन रहेगा, कौन हटेगा, मुख्य अधिकारी कौन रहेंगे, इन सब का। हाल ही में जो यूजीसी नेट की एग्जाम में बदलाव होने की संभावना मैं क्यों व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि नीट की एग्जाम लगी है, नीट की एग्जाम में धांधली की खबर आई है, आपको पता ही है। अभी अगर आप जुड़े हैं, सारी चीजों को जानते हैं, तो अभी नीट की जो एग्जाम है इसमें धांधली की खबर आई है, अभी दो दिन पहले इसका परिणाम जो आया उसमें। तो नीट की एग्जाम की धांधली का दबाव है एनटीए के ऊपर, और जो इस बार ऑफलाइन जो एग्जाम हो रही है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एनटीए ने अब जब से बागडोर संभाली है एग्जाम वगैरह लेने की, तब से कभी ऑफलाइन एग्जाम नहीं करवाई। क्योंकि यूजीसी नेट की एग्जाम पहले यूजीसी खुद लिया करता था, उसके बाद में सीबीएसई को इसका वो दे दिया गया, भाई सीबीएसई यूजीसी की नेट की तैयारी वो करवाएगी एग्जाम, फिर जाकर ये एनटीए को दिया। और एनटीए ने जितनी भी एग्जाम अभी तक ली वो केवल ऑनलाइन ली, ऑफलाइन का ही उनके पास पहला ये होने वाला है। अपने आप में चुनौती है, क्योंकि तकरीबन 10 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो 10 लाख लोगों के लिए इनको अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। धूप भी बहुत ज्यादा है, आप ये भी देख पा रहे हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अभी बहुत हड़बड़ी हो रही है, बहुत जल्दबाजी हो रही है, क्योंकि 18 तारीख को एग्जाम, बहुत कारणों से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एग्जाम 1 वीक के लिए कम से भी कम जो एग्जाम है वो डिले हो सकती है। देखो मैं फिर से कह रहा हूं कि आधिकारिक सूचना जो है वो 18 जून की है एग्जाम होनी, आधिकारिक सूचना है ये, लेकिन फिर भी इतने दिनों से जो मैं जुड़ा हुआ हूं अलग अलग संस्थानों से, या इतने दिन से पढ़ने का जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, क्योंकि जो एनटीए की जो फितरत है, लास्ट टाइम भी उन्होंने डेट फिक्स कर दी और जैसे ही एडमिट कार्ड डालने का समय आया, 1-2 दिन बचे, भाई आज या कल में एडमिट कार्ड आने वाले हैं, तुरंत एक नया नोटिफिकेशन आया कि आपके एग्जाम को इतने दिन डिले कर दिया गया है। तो मैं ऐसी संभावनाएं मानकर चल रहा हूं कि हमारी जो एग्जाम है इस बार भी डिले होने वाली है। और वैसे सर अभी तक कोई नोटिस भी नहीं आया। हाँ, उस नोटिफिकेशन बाद कोई नोटिस नहीं आया अभी तक। हाँ, अभी कोई नोटिस आया भी नहीं है, लोग अलग अलग प्रकार के वो लगा रहे हैं। सर एक बच्चों में रूमर है कि क्या जैसे ऑफलाइन पेपर होगा तो क्या लीक होने की संभावना है, इतना बड़ा एग्जाम है सर, और ऑफलाइन होगा तो क्या होगा सर? देखो यार, अब ऐसी कोई संस्था तो बची नहीं है जहाँ पर कोई पेपर वगैरह लीक वगैरह ना हो, ऐसी कोई संस्था तो अभी तक बची नहीं है। और मैं तो इस पर विरोध, ऑफलाइन एग्जाम का पहले ही विरोध जता चुका हूँ, जब जिस दिन पहली बार ये घोषणा हुई थी, सूचना हुई थी उसी दिन, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं संस्थाओं से, वो अपने अपने बंदों को सेट कर सकते हैं, ऐसा आरोप लोग लगा रहे हैं। मतलब मैं ही क्या, और भी लोग विद्वान जन जो इन चीजों को जानते हैं वो लोग आरोप लगा रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम क्या होती है, ऑनलाइन एग्जाम में इतना ज्यादा फेरबदल की संभावना नहीं होती, और हमारे गांव देहात के जो लोग होते हैं वो अपनी ऑनलाइन एग्जाम के जरिए अपनी सीट को सुनिश्चित कर लेते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो वेल कनेक्टेड लोग हैं लेकिन दिमाग नहीं, उतना पढ़ते नहीं, पर उनको प्रोफेसर बनना है। अब उनको सेटल कैसे किया जाए, एक बीच का रास्ता हो सकता है ये, मैं बहुत बड़ा, मैं अकेला आरोप नहीं लगा रहा हूं, बहुत से लोग आरोप लगाते हैं ऐसा, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बिल्कुल ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि कहीं कहीं कोई इंटरनल चीजें तो इसमें सेट ना की जाएंगी। जी जी। कि भाई इतने दिन से जो डिजिटल भारत था, सब कुछ डिजिटली हो रहा था, तो ऐसी क्या जरूरत हो गई थी ऑफलाइन करवाने की, अचानक से सर, कोई पहले से नोटिस भी नहीं, पहले से कुछ था ही नहीं, स्टूडेंट तो खुद ऑनलाइन एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। ऑफलाइन में क्यों आप पेपर को अंदर भरवाना चाहते हो क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है।
तो ये बिल्कुल ऐसा जायज है और मुझे लगता है कि इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन इतना व्यापक पैमाने पर विरोध होना चाहिए था, बच्चों ने नहीं किया, बट होना चाहिए था इसका विरोध, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अहितकर हो सकता है। दूसरा क्या है कि इस बार एक और गेम खेला गया है कि जो पीएचडी में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो भी एनटीए के द्वारा होगी। अच्छी बात है कि एक जगह सब कुछ हो जाए, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम करना और फिर पीएचडी को भी इंक्लूड करना, क्या सिस्टम क्या है, क्या विश्वविद्यालय में क्या कुछ ऐसे ऐसे लोगों को भरना चाहते हैं कि एक ही माइंड सेट के लोगों को, भाई यार हाँ तुम लोग विश्वविद्यालय में जाओ और अपना कब्जा करो, क्योंकि विश्वविद्यालय में अलग अलग वैचारिक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, अलग अलग विचार को मानने वाले लोग रहते हैं, तो ये बहुत संदेहों के घेरे में ये चीजें, मतलब ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा गेम है, आप इस चीज को समझो, बहुत बड़ा गेम साबित हो सकता है आगे की किस तरीके से, क्योंकि विश्वविद्यालय को एक ही माइंड सेटअप के लोग अगर विद्यालय में जाएंगे तो कहीं मोनोपोली स्थापित करेंगे, बहुत सी चीजें होती हैं जो धीरे धीरे हमको समझ आएंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ऑफलाइन एग्जाम भी अहितकर है और एग्जाम शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ी बहुत पीछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये मेरा स्वयं का आकलन है, ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है, आपको मैं किसी प्रकार से दिग्भ्रमित नहीं कर रहा हूं, आपको मैं किसी प्रकार से बरगलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, केवल जो मेरा व्यू है वो मैंने आपके सामने रखा है और मैं आपसे वही निवेदन करूंगा कि आप अपनी एग्जाम को 18 जून के लिए ही टारगेट करके पढ़ाई करें, बट सवाल आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपके सवालों का जवाब भी दें, क्योंकि लगातार हम क्लासेज में रहते हैं, लगातार पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट्स के सवाल ना बार बार आते हैं, तो सवालों के जवाब, चाहे वो सवाल अच्छा हो या बुरा हो, सवालों का जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने उस सवाल पर मैंने अपने व्यू रखे। तो ये है साथियों, पढ़ाई करो, अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अभी दिसंबर 2024 के लिए हमने प्री एडमिशन स्टार्ट कर रखे हैं, उसमें भारी डिस्काउंट दे रखा है, क्योंकि कोर्सेज में 1100 रुपए का डिस्काउंट है, प्लस एक महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही है, और इस बार हमने नए सब्जेक्टों को शामिल किया है जिसमें कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मनोविज्ञान हो गया और ज्योग्राफी हो गया, इसके अलावा साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये नए सब्जेक्ट शामिल किए हैं, जबकि पहले से चले आ रहे सब्जेक्ट हम हिंदी साहित्य हो गया, एजुकेशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया और पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट हम पहले से, 10 सब्जेक्ट जो ऑन डिमांड सब्जेक्ट है हमारे, वो सारे आपको अपना प्रोफेसर पर देखने को मिल जाएंगे। तो जाओ और अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां पर साथियों तैयारी सुनिश्चित कर दो, क्योंकि डॉक्टर लोकेश बाली अपना प्रोफेसर एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, आपको तो पता ही है, क्योंकि मेरा खुद का निजी अनुभव रहा है पढ़ने का, पढ़ाने का, पीएचडी का, दुनिया भर का, तो वो सभी अनुभव मैं आपको सारी चीजें मदद करूंगा। अच्छा, आपका क्या मत है इस एग्जाम को लेकर एक बार कमेंट्स करके मुझे जरूर से बताना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।